अस्सलाम वालेकुम। जब 2019 आया था तो हमने एक रेजोल्यूशन तैयार किया था, आपने भी और मैंने भी, कि 2019 में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। उनमें से बहुत सारी चीज़ें कवर हुई और बहुत सारी चीज़ें छूट गई। जो चीज़ें छूट गई वो 2020 के रेजोल्यूशन में ऐड हो चुकी थी, और 2020 के साथ भी ऐसा हुआ कि बहुत सारी चीज़ें कवर हुई और बहुत सारी चीज़ें छूट गई। मीनवाइल के हर साल के शुरू होने पर हम एक ऑब्जेक्टिव्स तैयार करते हैं, एक लिस्ट तैयार करते हैं कि इस साल हमने ये सारी चीज़ें पूरी करनी है। आपने भी की होगी। मेरा 2021 का रेजोल्यूशन क्या है, उनमें से 5-6 ऑब्जेक्टिव्स मैं आपसे शेयर करूंगा। अगर आपको लगता है कि उसमें आप कोई ऑब्जेक्टिव ऐड कर सकते हैं उस लिस्ट में, तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, या फिर इन ऑब्जेक्टिव्स में से आप अपनी लिस्ट में कोई ऐड कर सकते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, हम कितने ही बड़े इंसान बन जाएं, दौलत हासिल कर लें, वाइट कॉलर जॉब हासिल कर लें, फेम हासिल कर लें, बट द बेस्ट थिंग विच कुड ऐड वैल्यू टू अवर लाइफ इज बुक। मीनवाइल मेरा पहला ऑब्जेक्टिव 2021 का है कि मैं अपनी रीडिंग हैबिट इम्प्रूव करूं, जो कि एक रात में नहीं हो सकती। इट नीड्स ईयर्स ऑफ स्ट्रगल। कंटिन्यू स्ट्रगल इज द ओनली सोल्यूशन टू इम्प्रूव अवर रीडिंग हैबिट। मैंने ये इरादा किया है कि 2020 में मैंने जितनी बुक्स पढ़ी थी, 2021 में मैं उसकी डबल बुक्स पढ़ने की कोशिश करूंगा, और ख़ास तौर पर इस बार मैं लीगल फिक्शन अपनी रीडिंग बकेट में इंक्लूड करूंगा। फिक्शन मुझसे पढ़ने नहीं होती है, बहुत सारे लोगों ने कुछ फिक्शन सजेस्ट किया। अगर आपके माइंड में कोई फिक्शन है तो प्लीज़ लेट मी नो। लीगल इसलिए बिकॉज इट विल हेल्प मी इन माय एकेडमिक्स। जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो पिछले 5 सालों में कंटिन्यूसली मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स में ऐड करता चला आ रहा हूँ, बट मैं कभी उसको सक्सेसफुली अचीव नहीं कर पाया। वह हेल्थ कॉन्शियसनेस, वर्कआउट या एक्सरसाइज करना, रनिंग करना, जिम ज्वाइन करना, तो वो मुझसे हो नहीं पाता। 1 महीने में करने की कोशिश करता हूँ तो फिर छूट जाता है, फिर 3-4 महीने का गैप, फिर वज़न जब बढ़ने लगता है तो फिर से शुरू करता हूँ। तो इट गोज़ लाइक दिस। बट इस पर मैंने सोचा है कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं कंटिन्यूसली कोई एक एक्टिविटी, कोई एक गेम खेलना, शायद अफरीदी के बाद तो मैंने क्रिकेट भी छोड़ दिया खेलनी, या एक्सरसाइज करना, या रनिंग करना, या जिम ज्वाइन करना, इनमें से कोई ना कोई चीज़ मैं ज्वाइन करूँगा ताकि हेल्थ इम्प्रूव की जा सके। जंक फूड कम खाऊँगा। मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये पिछले 5-6 सालों में हर महीने की पहली तारीख को मैं ये सारी चीज़ें सोचता हूँ और इसको फॉलो नहीं कर पाता। तो आई एम थिंकिंग कि इस बार मैं इसको कंप्लाई करूँगा और अपनी हेल्थ इम्प्रूव करूँगा इंशाल्लाह। मेरा तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू ट्रैवल। मैं पिछले 4-5 सालों में बहुत सी जगहों पर गया हूँ, बहुत सारी स्टेट्स, कॉलेजेस में गया हूँ, बट वो सारे के सारे अकेडमिक्स ओरिएंटेड चीज़ें थी। मीनवाइल ये कि अगर मैं किसी जगह गया हूँ, वहाँ पर कॉन्फ्रेंस कोई है या कोई डिबेट कंपटीशन है, कोई और एक्टिविटी है, मैंने एक्टिविटी अटेंड की और मैं वापस आ जाता था। बट इस बार मैं सोच रहा हूँ कि मैं इन जगहों पर जाऊँ और इन जगहों को एक्सप्लोर करूँ। मैं केरला 3 बार होकर आ चुका हूँ, मगर पहली 2 मरतबा मैं केरला सिर्फ काम से गया और वापस आ गया। 3rd time भी काम से गया, मगर 1 दिन मैंने घूमने के लिए रखा था। इनफैक्ट 3 दिन रखे थे, मगर 1 ही दिन यूटिलाइज़ कर पाया। तो बहुत ही इन्जॉय किया, खासकर वहाँ के बीच पे। सिमिलरली मैं सोच रहा हूँ कि इस साल भी कुछ जगहों को सिलेक्ट करूँ और मैं वहाँ पर जाऊँ, जस्ट इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर दैट प्लेस, पीपल ऑफ दैट प्लेस एंड कल्चर ऑफ दैट प्लेस। अबाउट 4th ऑब्जेक्टिव, फ्रेंड्स, जो लोग भी घर से दूर रहते हैं वो खाना पकाना सीख जाते हैं। मैंने पिछले 4.5 साल में चाय बनाना सीखी है और ऑमलेट बनाना सीखा है। लास्ट वीक मैंने पनीर भी बनाया था, कढ़ाई पनीर, फ्राई पैन में कढ़ाई पनीर बनाया था और बहुत ख़राब बना था। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि मैं चीज़ें सीखूँ, बनाना सीखूँ, अलग अलग डिशेस बनाना सीखूँ। शौक़ है बनाने का और कभी ज़रूरत भी पड़ सकता है। अगर खाना बनाना नहीं आता, मुझे लगता है कि फ्यूचर में नुकसानदेह साबित हो सकता है, तो इसलिए आई विल लर्न हाउ टू कुक। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई इंसान कितना लिथार्जी, कितना आलसी हो सकता है, तो आप शायद जवाब देंगे जो इंसान हमेशा सोता रहता हो, जो कोई हमेशा लेटा पड़ा हो, या कोई मोबाइल इस्तेमाल करके सोशल नेटवर्किंग साइट्स इस्तेमाल करता हो, मूवी सीरियल्स वगैरह देखता रहता हो। बट माई कंडीशन इज़ कि अगर मुझे कोई वेब सीरीज़ या मूवी देखने का, वेब सीरीज़ तो छोड़ दें, आपको मूवी भी देखने का इरादा करना होता है, तो मैं 2 महीने पहले या 1 महीने पहले प्लानिंग करता हूँ, तो वो भी उसमें भी एक्सटेंशन हो जाती है, पोस्टपोन होता रहता है, तो मैं वो भी नहीं देख पाता हूँ। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि दे आर सर्टन वेब सीरीज लाइक द सूट, नॉट इर्तुल। इर्तुल का मैंने 1 सीज़न देखा था और बहुत लेंथी है एंड कैन नॉट स्पेंड दिस मेनी आवर्स इन दैट वेब सीरीज। उमर सीरीज़ है, इसके अलावा और भी कुछ ऐसी मूवीज़ हैं, साइंस फिक्शंस हैं। तो अगर आपके जहन में कोई ऐसी मूवी या वेब सीरीज़ हो जो आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हो, तो प्लीज़ लेट मी नो। नॉट तांडव। फ्रेंड्स, दिस इज़ द लास्ट वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, ऑनलाइन टॉक्सिसिटी। आपकी लाइफ में भी आपने ये फील किया होगा। मुझे लगता है कि कोई इंसान जो जिसके पास मोबाइल है, यानी कि हर इंसान इस टॉक्सिसिटी से बहुत ज़्यादा परेशान है। जब भी मोबाइल ऑन करें,
गाली गलोच, बेकार डिस्कशन, यूजलेस डिस्कशन, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे भी। बेकार की बहसें हो रही होती हैं रिलीजन को लेकर, फिरकों को लेकर, न जाने किस किस चीज़ों को लेकर फालतू की डिस्कशंस हो रही होती हैं। तो इस वजह से ऑनलाइन टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है हर एक की ज़िंदगी में। तो आई वॉन्ट टू रिड्यूस दिस ऑनलाइन टॉक्सिसिटी। तो इस ऑनलाइन टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने का सिर्फ एक सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन ये है कि हम अपना टाइम मोबाइल पर से कम कर लें, मोबाइल पर से इन द सेंस कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे बिताना कम कर लें। पहले मे भी हर दिन में एक दो स्टेटसेस शेयर किया करता था ऑन फेसबुक, ऑन ट्विटर वगैरह, पर आई थिंक कि उसकी नुकसान ज़्यादा होते हैं, फ़ायदा तो हो नहीं रहा होता है कुछ हर एक, क्योंकि फिलासफर है, कोई भी फेसबुक पर है तो वो फिलासफर है, तो आपकी बात तो कोई समझेगा नहीं अगर आप ढंग की बात भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि द बेस्ट वे टू रिड्यूस ऑनलाइन टॉक्सिसिटी इज़ टू रिड्यूस टाइम और ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एंड अदर नेटवर्किंग साइट्स लाइक स्नैपचैट इफ़ यू आर यूजिंग इट, और इन सारी नेटवर्किंग साइट्स पर अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, साजिद बुखारी सर्च कर लीजिएगा, आपको अकाउंट मिल जाएगा, यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। आई एम नॉट प्रमोटिंग माई सोशल नेटवर्किंग साइट्स थ्रू दिस ऑब्जेक्टिव। ऑनलाइन टॉक्सिसिटी इज़ रियली अ प्रॉब्लम और ऑनलाइन टॉक्सिसिटी को मैं चाह रहा हूँ कि मैं रिड्यूस करूँ। इसके अलावा कुछ और ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर हैं, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव माई सेल्फ, क्योंकि वो मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर हैं इसलिए आई नीड नॉट टू शेयर इट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में मैंने कोई चीज़ मिस्ड आउट कर दी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, बिकॉज वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। दिस इज़ द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैनल। और इसके अलावा ये कि इस पूरी लिस्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने मिस्ड आउट कर दी है वो आपकी लिस्ट में भी होनी चाहिए, मेरी लिस्ट में भी होनी चाहिए, वो ये कि इन जितनी भी सारी चीज़ें हमने लिखी हैं इनको फॉलो करना, ताकि ये 2021 में ऐड ना हो, 2021 में कोई और चीज़ ऐड हो। और इसका सिर्फ एक सोल्यूशन है, इसको अचीव करने का सिर्फ एक रास्ता है, एक ही तरीका है, वह है कॉन्टीन्यू स्ट्रगल। एज सर अल्लामा इकबाल सेड कि जिसमें ना हो इनकलाब मौत है वो ज़िंदगी, रूहे उमम की हयात कश मकश इनकलाब। मीनवाइल ए लाइफ विदाउट स्ट्रगल इज़ डेथ, एंड सक्सेस ऑफ ए कम्युनिटी लाइज इन कॉन्टीन्यू स्ट्रगल, सो कॉन्टीन्यू स्ट्रगल इज़ द सोल्यूशन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।